किसी वजह से, अब उसके लिए दो शेर मैं सुनाऊंगा, मुझे पसंद बहुत पसंद है। पहली गजल जो मैंने की थी, अकेले में वो घबराते तो होंगे, अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे, हमारी याद आ जाती तो होगी, हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे। क्या बात है, क्या बात है, ये सिंपल शेर है, लेकिन ये नगमा और ये गजल मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रेज ऑफ द नेशन बन गया था पूरे हिंदुस्तान का। उस वक्त इतने ज्यादा खराब नहीं थे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में भी ये मशहूर हो गया था। अब तो क्या कहने, ये जो आज नहीं है कि जो इस ओकेजन पे लिबास होना चाहिए था, नहीं है, हमारा मन बहुत दुख, बहुत इतना क्या शब्द नहीं मिल रहा है कि ये क्या हुआ पुलवामा में। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इसके लिए हम जैसे आज आप साहबान सब लोगों ने सोचा मुझे आवाज उर्दू मरकज का, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट हूँ कि हम कोई क्लैपिंग वगैरह कोई वो नहीं, वो बस ले लेंगे और आप कुछ फोटो वगैरह ले लीजिए और हम उनका शुक्रिया अदा कर देंगे। जी जी, तो ये आज का जी बिल्कुल ये नहीं सर, आपका तो बल्कि उर्दू पे एहसान, उर्दू जुबान के अभी बड़े बड़े उर्दू की जो गजल वो फिल्म में कोई फिल्म बनना किसी हाँ या किसी के शायर की लाइफ पर फिल्म बन रही है या अदीब की, लेकिन नहीं, ये हम इस बाजार फिल्म में ये बकायदा एक फिल्म में वो इस तरह वो वो फिल्म का हिस्सा बन गई और वो बहुत चहेती थी, और उसी फिल्म में मिर्जा शौक का गया हुआ, देख लो आज हमको जी भर, देख लो आज हमको जी भर के, अब देखिए देख लो आज हमको जी भर के, कोई आता नहीं है फिर मर के, वो सिचुएशन पे ऐसी सिचुएशन पे फिल्म बाजार में आया कि पूरा हॉल औरतें मर्द बावाज बुलंद रोने लगते जी जी। हो मुझे एक बात याद आ गई, हमारा नौकर था वो भी फिल्म देखने गया, तो जब ये गाना आया तो औरतें रो रही जोर जोर से और बड़ी इतना असर होता था, तो वो भी उठ के रोने लगा और सबको बोलता ये मेरी मम्मी ने गाया इतना सीधा बेचारा मेरी मम्मी ने रो भी रहा। तो ये उर्दू जुबान रही न गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, आप देखिए नहीं क्या गाया हुआ, रही न गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, ना इस दियार में समझा कोई जुबान मेरी। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जब मीर तकी मीर लखनऊ कहीं तशरीफ ले गए, उनकी लखनऊ तो खैर तहजीब शिको साहब, मिसेस शिको साहब और मुख्तार साहिबा,
हां जी बिटिया बैठ सकते हैं अरे रुखतार रहो बिटिया हमारी बिटिया अभी आ रही है दुनिया जानती है बनाई प्रोड्यूस की क्या बात है आप कुछ फिल्म हां बता हो जाए हां उर्दू हुसैन उर्दू मरकज की टीम आप यूं फासलों से गुजरते रहे क्या बात है वाह वाह आवाजें बड़ी में आदत जी जी एक मिनट पहले इस पे कर लें ये एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने ये पेंटिंग की है तो इसी पे जो है वो हां जी कौन सी ने उर्दू बैकग्राउंड के लिए चाहिए जी 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 दोनों मतलब इंग्लिश और उर्दू वाले मेरे पास अल्फाज की बिल्कुल कमी हो गई है मैं किन अल्फाज से आप सबका शुक्रिया अदा करूँ और ये जो भी हादसा हुआ पुलवामा में उसने पूरा आपने नोट किया कि मैं कभी इतना कभी तैयार होता हूँ तो ठीक ठीक से तैयार हो जाता हूँ आपने नोट किया मैं वो खयाम आज तैयार नहीं हुआ जैकेट नहीं पहना इसलिए कि फुलमामा से आप उदास हैं और जी, जी, शोक में हम सभी शोक में हम सभी हम कोई तैयार होकर नहीं आए ऐसे बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ना आपका तक मौजूदगी होना हमारे साथ हो नीचे बोल दे वो सीने मुझे धोखे दीजिए वो सीने उर्दू वो सीने सोच लीजिए वो सीने इंसानी बहुत शुक्रिया बहुत बहुत थैंक यू आप करीब आइए आप करीब आइए ये उर्दू मरकज की जानिब से सब लोग इस पे ये हाथ लगाइए इस पे भाजी आपके हाथ लगाइए मैं भी यही ले आई थी वही रख दिया अंकल आप मेरे तरफ से भी ऐसे ही नीचे नीचे थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा सर तुम्हारा भी बोके मंगो जी बैठ जाओ हां हां ठीक ठीक एक और रखा हुआ है वहां पे एक और बुक इसको थोड़ा सा नीचे और ये थोड़ा सा ऊपर ये सेटिंग होनी चाहिए जहाँ को बेटा वहाँ तो किया था रिकॉर्ड ए दिले नादा हाँ जी तो रात के 2 बजे कौन आपके घर पे आया था वो वाक्य बताइए जी जी बिल्कुल वो भी सुना देता हूँ आप जी फरमा रहे हैं तो ये कमालिस्तान में हम लोग सिटिंग किया करते थे शाम को वहाँ पहाड़ियाँ थी जंगल था और शैक्स बनाए हुए थे कमाल साहब का एक बहुत बड़ा शैक एक हमारा जिसमें म्यूजिक और स्टाफ वगैरह और टेलीफोन वगैरह सब तो वहाँ काम किया करते थे वो शाम को फिर जब होते थे कि वहाँ ख़तरा होता था कि भाई जंगल है उसमें भेड़िया वगैरह आ जाए और सांप आ जाते हैं वो सब को बाहर तो शाम को उठकर आ जाते हैं तो एक हमारे एक और मैं बात बताऊँ हमारे पास गाड़ी नहीं थी लेकिन वो और गाड़ियाँ नहीं भेजी मर्स भेजते थे हमारे लिए हमें छोड़ने आए तो ये कब की बात है खयाम साहब कौन से सन की बात है 84 83 नहीं जी यश चोपड़ा साहब और साहिल लुधियानवी साहब वो तशरीफ फरमा है और साहिल साहब की वो पंजाबी अंदाज में और वीर और यशी एक शायर दी लाइफ ते पिक्चर बना रहे हैं शायद ही लाइफ यानी समझो मेरी लाइफ पे पिक्चर बना रहे हैं
तो यह चीज़ें, और हमने सोचा कि उसकी मौसीकी भाई वो खय्याम साहब से, तो मैंने कहा मैम मैं हाजिर हूँ। तो वो नगमा वो एक अब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। नहीं नहीं कहिए, जो कहना है आप कहिए। इट इज़ अ हिस्ट्री अपने तो कभी कभी फिल्म का म्यूजिक आप, मैंने कहा जी मैं हाजिर हूँ। तो उसका नगमा अभी मैंने कहा आप लिखे, उनकी नज़्म है ये। वैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल था उनकी जो शायरी की किताब है उसका नाम है तलखियाँ, उसमें ये नज़्म है, ये आपका मौसीकार नज़्म, ऐसी नज़्म अल्लाह ने तौफीक नहीं दी ऐसी नज़्म को मौसीकी में ढाले। ये कमाल साहब का कहना है कि नज़्म को आपने जो बनाया क्या करें बाहर। तो ये नहीं, ये पूछ रहे थे कि आपके पास कौन आया था एदी लेनादा की रिकॉर्डिंग के बाद रात के 2 बजे आपके घर के जो दस्तक वो आ गया। अब ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री में धूम मच गई के एक जबा होकर सब करके ऐसा नगमा कभी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, उसी कॉम्बिनेशन वो सारा। तो रात के कुछ 1:30-2 बजे बेल बजी, जी मैं हमारा बेटा प्रदीप सब जाके ये इस वक्त कौन आया डैडी, वो जंजीर चढ़ा के देखिए कौन आया इस वक्त। देखा तो जया बच्चन जी अच्छा बाहर तशरीफ फरमा है और सुल्तान अहमद साहब की बेगम साहबा उनके साथ हैं। खैर वो बड़ी तहसीब वाली हैं जया बच्चन जी, तो वो अपने आए कि माफ़ कीजिए मैं इस वक्त बेवक्त आई हूँ, लेकिन अमित जी का कहना है मुझे इसी वक्त ए दिले नादाम नगमा जो रिकॉर्ड हुआ है फिल्म रज़िया सुल्तान में, मुझे इसी वक्त सुनना है रात के 2 बजे रात के 2 बजे पूरा दिन में शो बच गया था। तो हमने माजरत चाही कि जय जी इस वक्त नगमा वो तो कमाल साहब के लॉकर में है उनके घर पे, अच्छा हमारे पास नहीं है। तो सुबह इंशाल्लाह हम ये नगमा पेश करेंगे। तो हम कमाल अमरोही साहब के दर दौलत पे गए, उनके साथ उनको ये माजरा सुनाया है कि ऐसा ऐसा, तो वो फिर क्या कहने, वो तो शहनशाह इंसान, और उनको फौरन अपने स्टाफ को दिया कि रहो टेप बनाओ नया बहुत अच्छा टेप बनाओ अमित जी के लिए, और वो अमित जी को पहुँचाओ। वो मेरे बेटा प्रदीप लेके गया, उन्होंने सुना। उसके बाद ये जो फिल्म कभी कभी आई है मेरी पास, उस वो नगमा सुनने के बाद आई। मुझे नहीं मालूम कि अमित जी ने क्या कहा, किसने क्या कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यकीनन कुछ ऐसा ही कहा होगा कि हमारा कभी कभी का जो म्यूजिक कंपोजर हो वो जो। तो ये इन शब्दों के साथ सबको श्रद्धांजलि दूँ, और ये जो वाकया हुआ पुलवामा में उसका बहुत रंज है, बहुत रंज है हमें। हम किस तरह ये बयान करें, लेकिन भारत सरकार सुलझाएगी इन मसाइल को। तो ये सुना करते थे जब स्टूडियो से आते थे, तो ये गाना लगाओ खय्याम साहब का। अच्छा, मैं जिक्र करना चाहूँगा साहिल साहब के पास, रमेश साहिल साहब तशरीफ लाए उनके बंगले पर, और साहिल उसका
اٹھ کے نغمات آپ نے, تو ساحر صاحب بہت خوش ہوئے. یہ اس کا میوزک کون دو گا دے گا؟ دیکھیے بڑا مسئلہ تھا. اتم جی ہیں کہیں؟ اتم جی گئے؟ ہاں ٹھیک ٹھیک. بہر سر سے جب رات کا آنچل ڈھلکے گا, جب دکھ کے بادل پگھلیں گے, جب سکھ کا ساگر چھلکے گا, جب امبر جھوم کے ناچے گا, جب امبر جھوم کے ناچے گا, جب دھرتی نغمے گائے گی, وہ صبح کبھی تو آئے گی. اور آشا جی نے کیا کہا کہ صبح پاس دیکھیے نظم کے, مجبور بھڑاپا جب سونی راہوں کی دھول نہ پھانکے گا. جب انسان ایج ہو جاتی ہے, کچھ ایون اس کے اپنے گھر والے بھی اس کو نگلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, نیچرل نگلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان سے طرح طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں, ان کو اس کا معلوم بھی نہیں ہوتا, وہ کہہ دیتے ہیں. بہرحال مجبور بڑھاپا جب سونی راہوں کی دھول نہ پھانکے گا, معصوم لڑکپن جب گندی گلیوں کی بھیک نہ مانگے گا, حق مانگنے والوں کو جس دن سولی نہ دکھائی جائے گی, وہ صبح کبھی تو آئے. تو یہ نظم اس وقت تو درود پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے. اب یہ صاحب یہ نظم لکھتی, سب سے پہلے انہوں نے جب بہت اسٹوڈیو بڑا پہلے کوڈ کیا کہہ رہے ہیں رام جی, یہ تانپورا میرے جنم دن پر 2 سال پہلے یہ مجھے دیا تھا, اینڈ جب سے ایسے ہی ہے. وہ صحیح اس کو صاف وغیرہ کر کے صحیح مل جائے, اس کی ٹون جو ہوتی ہے اس میں آنس نہیں ہوتی, ٹن 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 ٹن, لیکن اس میں ایک جواری لگتی ہے دھاگا نیچے کے حصوں میں 4 تاروں میں باندھ دیا جاتا ہے, تو وہ اس میں آس آ جاتی ہے ایک ایک سر میں. وہ 4 سر نہیں, وہ جیسے نا 12 سر مل رہے ہیں, 12 سر 4 تاروں میں, تو وہ تانپورا. تو میں ٹون سمجھ گیا تھا راج کپور صاحب کی کہ یہ خیام صاحب کو کچھ آتا بھی ہے, انہوں نے کچھ سیکھا بھی ہے. تو میں نے اپنے گروؤں کا نام لے کر پنڈت حسن لال بھکت رام, پنڈت امر ناتھ جی اور چشتی بابا, چشتی بابا گریٹ مین چشتی بابا, تو ان کا یاد کر کے میں نے کہا جی میں آپ کو پوریا دھنشری سناؤں, یہ وقت پوریا دھنشری کا ہے. تو میں نے ان کو پوریا دھنشری کوئی 1.5 گھنٹہ سنایا, اس کے بعد چائے وغیرہ ہوئی, اور چائے کے بعد میں نے نظم میں نے کہیے سنایا, پہلی دھن سنائی. راج کپور صاحب ایک دم بلینک, دیکھیے میں بات کر رہا ہوں, آپ سب کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے, آپ بات سمجھ رہے ہیں, آتا ہو آتا ہو. اور وہ اینگل میں نے چھوڑا نہیں تھا, میں نے اس لیے 5 دھنیں بنائی اس لیے کہ راج کپور صاحب کو موسیقی کی بہت علم ہے, ان کے پاس وہ گاتے بھی ہیں, طبلہ بھی بجاتے ہیں, ہارمونی بھی بجا لیتے ہیں, اکارڈین بھی بجا لیتے ہیں سب. تو انہوں نے یہ 5 دھنیں سن کر نا بلینک اینڈ بغیر کچھ کہے سہگل صاحب کو اٹھا کے لے گئے. ہوئی ریسل کرنے بعد آشا جی آشا بھوسلے کہنے لگی خیام صاحب آپ کی صبح ہو گئی, اب دیکھیے آپ کی صبح ہو گئی. تو ان کے دیکھ گانے ریکارڈ میں ایک اور یہ بات آ جاتا کہ تشریف فرما تھے وہ چیف گیسٹ, تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی.
वहाँ किसको दे दो ना, सामने ले लेंगे ना, वहाँ वहाँ से ले लीजिए, वहाँ से ले लो, इनको दे दो। हाँ, वो एंगल एक साल पहले वही हुआ था, इसका इजरा हुआ था जी साथ है। सामने हो गए, हाँ एक मेरा ये बहुत बहुत आपका आटा आपकी आपकी बहुरान लाइन। अरे बीनाल, ये जुनैद का वाउचर कौन देगा? ये क्या अच्छा बजे अपने नंबर से गांव में याद रखे, याद है हम आगे पीछे बैठते थे और मैंने जैसे एक बार रिजल्ट दिया था। सर आपके लिए आज खास मुझे मिस कॉल दे दीजिए अपने। जी जी, ये बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, हाथ मिला रहे हैं कितने दिनों से, कहाँ कहाँ मुलाकात। सर यहाँ पे तो आप दुनिया बहुत छोटी है, तरह से लिए हैं हमारे वापस। आपके गाने सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। थैंक यू, थैंक मयूरेश जी को भेजना, मयूरेश मैं बात कराता हूँ, बात कराते हैं। इनके साथ क्या बैठना। मैडम जी आप बैठ रहे हो ना। लता जी, जी मैं बात कर रहा हूँ, लता जी से बात कर रहा हूँ। हेलो लता जी, ये नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दुआएं, आपका साथ रहा, ये खयाम 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 जो है ना, वो आपकी आवाज़ है, आप लोगों की आवाज़ है। ये आप लोगों ने हक अदा किया, जिस तरह हमने चाहा आपने ऐसा अदायगी कर दी। आपकी आवाज़ अल्लाह ने ख़ास तौर पे, ईश्वर ने, वाहेगुरु जी ने हेवन से जैसे बनाई है आपको। वैसे लता जी आपको ना मैं हमेशा माँ कहता हूँ, सरस्वती माँ हैं आप माँ हैं हमारे मन में, आपका मर्तबा माँ का मर्तबा है। आपने हमारे पूरे वो तो है ही, सब भारत जानता है, भारत रत्न है ही, इससे भी पदवी कोई बड़ी हो वो आपके लिए ईश्वर बना दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जगजीत जी आपसे नमस्कार आपको कर रहे हैं। हेलो लता जी, नमस्कार जी, आपने इतने प्यार से ये याद किया हमें, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, बहुत बहुत शुक्रिया है। जी थैंक यू सर, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।
जी 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 और आप ठीक है ना? अच्छा, कभी मुलाकात होगी फिर? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, अरे जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी जी, अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी 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 जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बेटा। ये आप देखा था क्लोजअप करके, एक मिनट, ये दीदी ने ले लिए थे चंचल से, ये जो सर, एक मिनट सर, ये कैमरा भी इधर सामने में, ये ठीक उल्टा तो नहीं हो गया, थैंक यू मैडम, सबकी ये सबकी दुआओं का अल्लाह ने, ईश्वर ने सुन लिया कि ये 93 में कदम आ गया और हमने और जगजीत जी ने, ये आप पीछे देखे हैं, के पी ये चैरिटी कायम कर दिया है 3 साल से, ये 2.5 लाख रुपया सब कुछ आता है और इंशाल्लाह हम हमारे पास फंड्स आ जाएंगे केपीजे के, और हमारी ख्वाहिश है कि हम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 5 लाख रुपया भेजा करें, और जो जो ट्रस्ट में पैसा आता जाएगा ये राशि बढ़ जाएगी और ज़रूरतमंदों का ये हम कोशिश करके खिदमत करने की कोशिश करेंगे, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जिन शीफ लाए हमारे गरीब खाने पे, छोटा सा ये गरीब खाना है लेकिन आप फिर भी आए, बहुत प्यार से आए, और हमें अगेन एक नेशनल सॉन्ग मैंने भारत सरकार के लिए रिकॉर्ड किए थे, उनके एक एक पंक्ति सुनाता हूँ, मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। साहिल अदवानी साहब ने नज़म लिखी, वतन की आबरू खतरे में है होशियार हो जाओ, वतन की आबरू खतरे में है होशियार हो जाओ, हमारे इम्तहान का वक्त है तैयार हो जाओ। और जानसार अख्तर साहब अपना नज़म में नेशनल सॉन्ग में लिखते हैं, एक है अपनी ज़मीन एक है अपना गगन, एक है अपनी ज़मीन एक है अपना गगन, एक है अपना जहां एक है अपना वतन, एक है अपना जहां एक है अपना वतन, हमें हमारे अपने सभी गम में अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, ये बस पैगाम हमारा और सबके लिए है। खय्याम साहब, अभी देखा गया क्या कहा पुलवामा में जो अभी हुआ अटैक हुआ, बहुत अफसोस के बारे सादगी से मना रहे हैं, उसके बारे में यू है, सही मानों में तो हमारी भारत सरकार उसको टैकल करेगी,
इजाजत हो तो साहिल साहब की कुछ पंक्तियां सुनाऊं आपको। जय फरमाए। साहिल साहब ने लिखा था कि क्या मोल दोगे उन जवानों के खून का जिस पे हम मरते थे, वो सजा आप क्यों हुए। वाह वाह, ये साहिल साहब ने लिखा था हमारे जवानों के लिए। देखिए बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है वो बड़ी सादगी से मना रहे हैं, आप आज का जन्मदिन आप इस पे बताइए आप क्या बोलना। उनका कहना है कि आप बहुत सादगी से आज आपका जन्मदिन मना रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है। ये आप हम दोनों का लिबास देख रहे हैं जी हाँ, मेरे ख्याल में इतना कोई ऐसे ख़ास हो के इनके ऊपर ऐसा लिबास, सिंपल लिबास आपने नहीं देखा होगा। हमारा दिल नहीं किया लिबास बदलने को, हमारा दिल एकदम जी हमारे, मैं समझ सकती हूँ सर, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं जी उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है जी। हमें बहुत रंज है, बहुत रंज, बहुत दर्द होता है ये सब देखकर और सुनकर। खूब और कुछ पूछना। क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं आप इंडस्ट्री में अभी रिसेंटली? हाँ जी, ये निकाल लूँ जरा, आपकी तकलीफ कम हो जाएगी सर, क्योंकि सर काफी काफी लोग भूल जा रहे हैं लेजेंडरी एक्टर्स को, जैसे कादर खान के टाइम पे भी सभी भूल गए थे। उनका कहना है पुराने जितने किरदार थे इंडस्ट्री में, एक्टर्स कह लीजिए, संगीतकार कह लीजिए, मौसीकार, नगमा निगार, पुराने जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनको लोग भूलते जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या है, हर साल नई से नई कहानियाँ बनती हैं, नई से नई किरदार, और जिस तरह की पिक्चरें जिस तरह की कहानी मिलेगी लोग याद ही रह जाती है। अब जो बड़े बड़े जुनून की बहुत खिदमात है वो सीरीज़ में, जो पिक्चरें पुरानी कभी कभी देखने को मिलती हैं तो उसी में मिलेंगे। अब ये इसका हल आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह की पिक्चरें बनेगी उसी तरह का काम होने वाला है, और लोग जब पुरानी पिक्चरें आती हैं, पुराने नगमात आते हैं, यकीन वो लोग नहीं भूलते और उसको याद करते हैं, वो याद रखेंगे। ओके सर, इसी के साथ में सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सर, इसी के साथ में 93 वर्ष हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इन 93 वर्षों को? 93 आपने आज के इसमें 93 साल के आप पूरे हो चुके हैं जी, तो इन बीते हुए सालों के बारे में आज क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सफर है आपका, सब याद भी है उसमें पूरे, और आपको याद भी है सब। और मैं अपने पूरे भारत माँ का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का, ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मैं भारत में पैदा हुआ, भारत में मैंने काम किया, अपने भारत में, और अपनी मौसीकी के जरिए, अपने नगमात के जरिए पूरी दुनिया में नाम खयाम 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 हो गई, तो ये बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। बहुत देरी
फोटो तो हो गया अभी, फोटो नहीं लेना, वो ट्रैफिक का फोटो ले रहे हैं। योगेश है।